हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल सिंह नेहा। तो इस टाइम मैं रोली के घर पर हूँ, फ्लैट पर हूँ, बाकी कोई नहीं है। सब लोग जहाँ पर रोली ने विला लिया है वहीं पर हैं। स्वाति शॉपिंग करने गई हैं, मैं घर पर हूँ क्योंकि कल गर्मी की वजह से मेरी आँखें ख़राब हो जाती हैं, तो वही मेरी आँखें इस टाइम ख़राब हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर रेस्ट मोड में हूँ और मेरा बहुत मन है, इसीलिए मैं पता नहीं ये ब्लॉग कितना ही बनेगा। मैंने वैसे बउआ जो अर्नव है उससे बोल दिया है कि वीडियो शूट कर लेना, मुझे बाद में दे देना, वो इसलिए मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। देखते हैं मिलती है वीडियोस या नहीं, क्योंकि सब लोग इधर उधर बिजी हैं और मेरी आंखें बस कल तो सही हो जाए, क्योंकि कल शादी है, कोई मेकअप पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। कल तो मैंने कुछ नहीं किया था तब उनका ये हाल हो गया, सुबह तो और स्वेलिंग थी में। अब फिर भी कम है, अब मैं सोने जा रही हूँ, थोड़ी देर सोऊंगी, देखती हूँ शाम तक सही होती है कि नहीं, क्योंकि आज मेहंदी भी है, पता नहीं क्या होगा। मैंने सोचा था कि मार्केट जाऊँगी, शॉपिंग करूँगी, लेकिन मैं तो नहीं जा पाई। स्वाति गई है, रोली गई है, उसके साथ एक और गई है। यार मेरा भी बहुत मन था मार्केट जाने का, कोई बात नहीं, आँख ख़राब है तो क्या कर सकते हैं, नेचुरल प्रॉब्लम। ये वीडियो अर्नव ने रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैंने उससे बोला था कि जो भी कुछ हो शादी से रिलेटेड तुम रिकॉर्ड कर लेना, तो उसने बस यही एक वीडियो रिकॉर्ड की है। इस टाइम चल रही है पूजा, शादी से रिलेटेड जो पूजा होती है वही सब यहाँ पर अभी चल रही है। ओम गौरी पद्मी आपसे तुमने दिन जो नवग्रह देवता होते हैं ना, उनको भी आवाहन करना है, प्रणाम करना है कि आप आइए और विराजमान होइए। हमारे घर में कोई आता है किसी पहले पाँच दिन पाँच दिन पैर दुलाते हैं, हंस तुर हाथ धुलाते हैं, जैसे आज मुँह धुलाते हैं, स्नान कराते हैं ना, इसी प्रकार से उनका पूजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पाँच पैर धुला रहे हैं, भाई वैसे रहना चाहिए, हाथ धुला रहे हैं, मुँह धुला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, सब जल का सिंचन कर लिया। ओम धवाला धवालो मणिवालता विनाशे धाशे धाचुरो के रास्ते सारे दिख रहे अब स्वाति और रीवा शॉपिंग कर कर आ गए थे। जो भी रोली की शॉपिंग थी रीवा की सब हो चुकी थी। रीवा का जो अर्जेंट में लहंगा था वो भी सिल गया था, बस ब्लाउज बचा था, तो उसके लिए टेलर को घर पर बुला लिया। तो उनकी बहन जो कि अपना लहंगा इंदौर से नहीं लेके आई थी, बहुत अर्जेंट में आज खरीदा है शादी के एक दिन पहले, और आज ही ब्लाउज की फिटिंग हो रही है। देखो ये है बहन और स्वाति, ये क्रेडिट ले रही, मैंने दिलाया, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी आँख में इन्फेक्शन हो गया। मैंने अभी अपनी फ्रेंड से दवा मंगाई है, वो आ रही होगी। बस कैसा आई लहंगा, ये स्वाति की चॉइस है। बैग खोल रही है स्वाति। मेरा ब्लॉग है, कल है शादी इसी टाइम, पहनो पहनो आने के बाद काम भाई से चाय बनवाई है। वो काम भाई हमारी मोनी की, हमारी भाई इतनी मॉडर्न है, सवेरे से तो बताइए, तो बताइए कैसे मॉडर्न काम वाली है, सुबह से आराम करती है, 24 घंटे में एक काम करती है, चाय बनाती है।
बहुत हो गई बेइज्जती, अब मैं अंदर जा रही हूँ। दिखाना है क्या? अनपैक कर रही है मोनी। ये सब शादीशुदा औरतें हैं। ये स्वाति मेरे लिए लाई है। ओ मैं वेट कर रही थी कि मेरी फ्रेंड जल्दी से दवा ले आए तो वो खा लूँ और डाल लूँ आँख में, तो आँखें थोड़ी सही हूँ, कल के लिए रेडी करूँ खुद को, क्योंकि कल शादी है। फिर हम लोग जल्दी से रेडी हो गए मेहंदी में जाने के लिए। रोली बहुत देर से वेट कर रही थी और जैसा कल हुआ था सेम वैसे ही आज भी हो गया। हम लोग फिर से ग्रीन विला की जगह ग्रीन रेसिडेंसी पहुँच गए और आज तो और लेट पहुँचे जो वेन्यू था वहाँ पर। और रोली बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि उसकी जो ड्रेस थी वो हम ही लोगों के पास थी, फिर उसकी मेहंदी भी आधी लग गई थी, तो जैसे तैसे उसकी ड्रेस चेंज कराई। वो सब आप देखिए आज मेहंदी में सभी लोग लेट से आए थे और मैंने आज ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाए थे। वैसे आज मेरा मेहंदी में आने का प्लान नहीं था पर रीवा ने बहुत बोला और फिर ये सारे मौके बार बार नहीं आते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो चला जाए, तो इसीलिए मैं आ गई। और फिर मैंने सोचा रोली को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ होते हुए भी ना आऊँ। लेकिन मैं 11 बजे वहाँ से निकल गई थी, ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जल्दी निकल जाऊँगी। पहले मैं मोहित के साथ जा रही थी लेकिन शिवम को अपना ऑफिस करना था, इसलिए फिर मैं शिवम के साथ फ्लैट पर आ गई थी। तो 11 बज चुका है और मैं अभी घर आ चुकी हूँ शिवम के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए। तो अब जल्दी से सब साफ़ करके आराम करूँगी क्योंकि कल ही शादी है।